तरह से जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर युवाओं को जो है ट्रेनिंग दे करके उनको स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, और ये बजट भी पूरी तरह से युवाओं के ऊपर निर्धारित है और अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, तो युवाओं को केंद्रित करते हुए इस बजट को बनाया गया है और सभी जितनी भी योजनाएं हैं युवाओं के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि आने वाला समय युवाओं का ही है और उत्तर प्रदेश में भी युवाओं की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में कार्य किया गया है। बजट किसी के हित में है ही नहीं है, पुराने बोतल में नया पानी भर करके ये दो लोगों को लुभा रहे हैं। ये महिला विरोधी है, छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, ये किसी के हित में नहीं है। ये केवल एक परंपरा जो बजट पढ़ने की होती है उन्होंने पढ़ दिया, किसी न किसान के हित में किसी के हित में इन्होंने बजट में कुछ दिया ही नहीं है। उम्मीद था स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्था ये सरकार करेगी। जिस शहर से गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी आते हैं, अभी उन्हीं के अस्पताल में, जिला अस्पताल के बाहर पानियों का जमावड़ा है, कहीं किसी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में दवाई के इंतजाम नहीं है, अगर उसकी व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पा रही है। जहां देखा जाए किसानों के लिए सरकार ने कोई नई योजना नहीं लाई। हमें उम्मीद था कि किसान आयोग का गठन होगा, आवारा पशुओं के लिए उनके गृह आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम करेंगे, छत्तीसगढ़ से कुछ ये सरकार सबक लेगी। हमें उम्मीद था कि ये किसानों के लिए और बेहतर व्यवस्था करते हुए जो लोग रखवाली कर रहे हैं उनको किसान भत्ता देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, लेकिन इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया।